दुगधा दामोदर कोलियरी के कांटा घर एवं लोकल सेल चालू करने की मांग को लेकर सिजुआ पहाड़ी रविदास टोला के ग्रामीणों ने दामोदर कोलियरी कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। अंचला अधिकारी सह मजिस्ट्रेट संदीप कुमार मध्येशिया के नेतृत्व में परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता में संपन्न हुई, जिसमें अंचला अधिकारी संदीप कुमार मध्येशिया, बोकारो झरिया ओपी थाना प्रभारी रंजीत कुमार, दामोदर कोलियरी परियोजना पदाधिकारी पीएसके सिन्हा, सिजुआ पंचायत मुखिया सरिता देवी समेत कोयला लदाई मजदूरों के प्रतिनिधि कोलेश्वर रविदास, राजेश राम, सूर्यदेव रविदास, रामदेव रविदास, गुल्लू रविदास, यमुना रविदास मुख्य रूप से शामिल थे। अंचलाधिकारी संदीप कुमार मध्येशिया ने ग्रामीणों से कहा, अगर कोई भी बंद वजन घर को बंद कराने आता है तो मुझे अविलंब सूचना दे, मैं पहुंचकर कार्रवाई करूंगा। रोड सेल एवं वजन घर को बंद कराने कोई भी आएगा उस पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। परियोजना पदाधिकारी साकेत कुमार सिन्हा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि रोड सेल को चालू कराने के लिए प्रबंध हमेशा तत्पर रहेगी। रोड सेल सुचारू रूप से चालू रहे इसके लिए हमने प्रशासन एवं थाना प्रभारी उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। बोकारो झरिया ओपी थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने कहा, रंगदारी वसूली से संबंधित लिखित शिकायत की गई है, वह जांच का विषय है, जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। धरना में पिंटू रविदास, मोहन रविदास, भोला रविदास, राजकुमार रविदास, चंदन कुमार, अरुण रविदास, विक्रम कुमार, सत्या देवी, मुनवा देवी, लक्ष्मी देवी, अतवा देवी, पिंकी कुमारी, गीता देवी, बाला देवी आदि शामिल थे। चमड़ा काटा को लेकर के दिए हैं, लेटर दिए हैं, जिसमें लोकल सेल में काम नहीं करने दिया जा रहा, कुछ लोग के द्वारा यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, गरीब लोग कह रहे हैं। हम लोग 4 तारीख से ही धरना दिए हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा था, तो हमको फ़ोन किया तो हम आए, सुनवाई किए, पीओ साहब साथ बैठक किए और थाना प्रभारी भी साथ में है, हम लोग इसको देखेंगे कौन रंगदारी में, किसी को भी रंगदारी नहीं चलेगा। और हम लोग इस बहुत चाहेंगे कि इन लोगों को काम मिले, लोकल से पीओ साहब ने एकदम कहा कि हम लोग काम देंगे। बाहर से पता चला कुछ लोग जो है नहीं आने दे रहे हैं गाड़ी को अंदर लोकल सेल में, इसको हम लोग पूरा निगरानी करेंगे बाहर पे कि कैसे नहीं कोई दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, और जो लोग चिन्हित तो चिन्हित करके उस पर FIR दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई करें। किस तरह का बनाई जो रंगदारी ले रहे हैं अभी तो नहीं पता चल रहा, अभी तक अभी हमको अभी तुरंत सूचना मिला है किस तरह का रंगदारी है, नहीं जिनके बारे में जानकारी है, लेकिन ये लिखा हुआ रंगदारी मांग रहे हैं, अभी उसकी छानबीन करने की ज़रूरत है इस पर। जो भी सिजवा बस्ती के लोग हैं, सिजवा पहाड़ी के, और हमारे हम लोग जो प्रबंधन की ओर से हम लोगों ने शुरू से बोल रखा है कि रोड सेल किसी भी हालत में शुरू होगा, प्रबंधन हमेशा तत्पर है इसको चालू करने के लिए। और अभी जैसा कि सीओ साहब ने बताया, प्रशासन और हमने ऑलरेडी चिट्ठी भी दे रखा है प्रशासन को भी, दोनों थाना को भी और अपने उच्च अधिकारियों को भी, हम लोग रोड सेल चालू करने के लिए तत्पर हैं और आगे जो भी होगा चालू करने के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे। जैसा सीओ साहब बताए कि हम लोग जो भी होगा गाड़ी अंदर आएगी हम लोग जरूर लौट करेंगे। रंगदारी के मामले के लिए काम लिखित शिकायत भी दिया गया, लिखित शिकायत दिया गया है, वो तो जांच का विषय है, उसमें हम लोग अधिकतर कार्रवाई करेंगे। कैसे सुनिश्चित करें कि मजदूरों को जो है लदाई में जो है सुविधा हो और ट्रक आए और लाद करके जो है ले जाए कोयला, उसके लिए क्या विशेष सेल वहाँ पे ट्रक को लोड करवाएंगे और क्या मामला आ रहा कि रोड हम लोग का जैसे होगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, यदि कोई आएगा रोकने के तो क्या कार्रवाई करेंगे, रोकता है तो रुकता है, हम लोग रोक उसको भगा देंगे, नहीं आएगा तो फिर हम लोग केस करेंगे और क्या।